मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला ऊना के गगरेट विधानसभा क्षेत्र में लगभग 73.10 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण किए व आधारशिलाएं रखी। जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नकडो खड्ड पर सुनकाली से गोकुल नगर संपर्क सड़क मार्ग पर 1.67 करोड़ रुपए की लागत से बने 73 मीटर लंबे पुल, नावाड़ के अंतर्गत बन्नेदीहट्टी से शिवपुर निचला मुबारकपुर सड़क पर 1.70 करोड़ रुपए की लागत से बने 30 मीटर लंबे पुल, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मुबारकपुर में 74 लाख रुपए की लागत से निर्मित विज्ञान प्रयोगशाला और 49 लाख रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गगरेट के अतिरिक्त भवन का लोकार्पण किया। आज हुए हैं इसके शिलान्यास, इन पर काम जारी हो रहा है। 235 करोड़ से ज़्यादा 2017 में जब स्वास्थ्य चैनलाइजेशन का काम बंद हो चुका था, माननीय मुख्यमंत्री जी पहले दौरे में आए, IPH मंत्री महेंद्र सिंह जी आए, अनुराग ठाकुर जी आए और उन तीनों ने मिलकर यहाँ 235 करोड़ रुपये दिया, जिस पर हर खड का चैनलाइजेशन चला है। बहुत से उसके ऊपर सवाल उठाए, ये चली जाएगी, ये आ जाएगी। जब आप जानते हैं कि किराए की दुकान में ये तहसील का कार्यालय खोला गया, आज 2,35,00,000 लगाकर वहाँ बहुत बड़ी बिल्डिंग बनेगी और ये एक बड़ा अच्छा भवन तहसील का बनेगा। ये उस इलाके के लिए बहुत बड़ी सौगात है। 4 पुलों का अभी तक शिलान्यास हो चुका है, बाकी खड्डों की DPR बन के गई है। धीरे धीरे हर साल में 2-4 पुल आते रहेंगे PWD विभाग में और पूरी खड्डों के ऊपर पुल बने, लोगों को आने वाले बरसात में समस्या का समाधान मिले, ये हमारे सबकी प्रायोरिटी है। उस पर 35 लाख रुपया जारी किया PWD विभाग को, उन्होंने DPR बनाई। DPR हमारे शिमला से होती हुई केंद्र में पहुंची, जब केंद्र में पहुंची अनुराग जी का चुनाव को मात्र 1 दिन रह चुका था, प्रिंसिपल अप्रूवल हमें नितिन गडकरी जी ने दी है जिसकी कॉपी मेरे पास पड़ी है, और उसके बाद कोरोना काल आ गया। मैंने मुख्यमंत्री जी ने आज भी कहा कि उसके ऊपर भी काम होगा, बहुत जल्दी उसके अभी शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय अनुराग ठाकुर जी करेंगे, ये हमारी प्रायोरिटी है। उस परिस्थिति के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा और इसलिए हमने उचित समझा कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो काम हमारे लंबित पड़े हैं, कुछ काम हमारे पूरे पड़े हो गए हैं, उन पूरे काम को जो है लोगों को समर्पित करना चाहिए, जिसमें आपकी विधानसभा क्षेत्र के आज 4 विभिन्न योजनाएं हैं, जिन योजनाओं का आज हमने विधिवत उद्घाटन किया, और उसके साथ साथ में बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिन योजनाओं को शुरू करके जो है आने वाले समय में हमको पूरा करना है, वो 7 योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास करने की आवश्यकता थी ताकि हम काम शुरू कर सके, ताकि आने वाले समय में 1-1.5 साल के अंदर अंदर हम सारे वो काम पूर्ण करने के बाद आपके बीच में उपस्थित होकर के शिमला से हम आएंगे, दिल्ली से अनुराग ठाकुर जी आएंगे, आपके विधायक महोदय वहां आपके विधानसभा क्षेत्र में होंगे और सब लोग हम एक मंच पर होकर के आपके उस उद्घाटन के कार्यक्रम में शामिल होंगे जो आज हमने शिलान्यास किए। मैं आप सबका हृदय से आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं, खासतौर से संकट के क्षण में आप लोगों ने बहुत संजीदगी के साथ जो है वो सावधानी के साथ काम किया है। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मेहनत भी की, जहां हिमाचल प्रदेश में इस COVID-19 के इस दौर में हमको लगा कि आप सबके सहयोग की आवश्यकता है, आप सबके समर्थन की आवश्यकता है, उसमें आप लोगों ने कभी भी कहीं कमी नहीं छोड़ी। हमने आपसे इस बात के लिए निवेदन किया कि इस वायरस से बचने के लिए मास्क घर घर पहुंचना चाहिए, हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, जिसका जिक्र अनुराग ठाकुर जी भी कर रहे थे। आप लोगों ने मास्क बना करके हजारों की तादाद में, हजारों की संख्या में मास्क बना करके तैयार किए और मास्क बना करके लोगों के घरों में ही नहीं पहुंचाए, लोगों के हाथों में वो दे करके उनको इस बात को समझाया कि ये मास्क पहनना बहुत आवश्यक है। और उसके साथ साथ में हमने आप सबसे इस बात के लिए भी निवेदन किया कि आप सबके सहयोग की आवश्यकता उस दृष्टि से भी है कि कोई भी व्यक्ति इस संकट के क्षण में भूखा नहीं रहना चाहिए, भूखा नहीं सोना चाहिए, उसके लिए भी आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह से काम किया। आपके विधानसभा क्षेत्र में जहां भी जिस व्यक्ति को जिस तरह की मदद की आवश्यकता थी उस मदद को आपने पूरा किया, जिसको राशन देने की जरूरत थी वहां राशन दिया गया,
जिसको राशन के अतिरिक्त जो है भोजन देने की भी आवश्यकता थी, कुछ जगह ऐसे मजदूर भी थे जहां आप लोगों ने भोजन उपलब्ध कराया। उन्ना से आपका फैसला टीवी के लिए जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ संवाददाता कपिल सूद की विशेष कवरेज।